चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ में 11B में क्वेश्चन जो है, ऐसे में एग्जाम क्वेश्चन है, बता रहा हूँ कि एक जो समरूप त्रिभुज दिया होगा, एक त्रिभुज दिया होगा, उसी के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, समरूप मतलब जिसके तीनों कोण बराबर हो, उनके भुजाएँ जो होते हैं अनुपातिक होती हैं, ये आपको बता दिया जाएगा, त्रिभुज पढ़ा जाएगा। लेकिन इसका एक क्वेश्चन आता जरूर है, 100% आता है, जरूर आएगा, इसको कोई नहीं काट सकता भाई। ठीक है, तो सिर्फ इसमें बस समझ लेना क्या करना है हमको। ठीक है, रचना के पत्र लिखा देंगे, हालांकि एक लिख भी लोगे, इसमें बस एक समझ लेना कि हमको करना क्या है। तो देखो, जो त्रिभुज दिया होगा पहले तो त्रिभुज बना लेंगे हम। ठीक है, अगर इसमें माप तो नहीं दी है तो ऐसे ही नॉर्मल बना लेंगे, तो ऐसे माप दी हो या कोण दी हो उस टाइप से बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है हमारा वो त्रिभुज बनाना, क्या है, एक त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए संगत भुजाओं की 3/4 हो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला काम है त्रिभुज बनाना। एक हमने भाई त्रिभुज देखो ये बना लिया भाई, मान लिए कि हमने ये एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, इस साइड में भाई बना लो, ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, और ये त्रिभुज जो बनाया हमने ABC त्रिभुज बना लिया। ठीक है, बना लिया भाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा जो काम है हमारा, B से हम एक नीचे की तरफ न्यून कोण बनाए, एक रेखा बनाएंगे, न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। ठीक है, यानी BC के साथ एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची, न्यून कोण, ठीक है, ऐसे हम खींच लेंगे, यानी AX हो गया। ठीक है, आ गया, इतना समझिए कि नहीं, क्या करेंगे हम, एक न्यून कोण बनाते हुए एक हम रेखा खींच लेंगे। समझ आ रहा है, न्यून कोण रेखा खींच लोगे कि नहीं, इतना तो कर लोगे। उसके बाद में क्या करना है हमको, देखिए जो एक बार समझ लीजिए, समझ लोगे बस, सभी कर लोगे, फिर जो अनुपात दिया होगा, अनुपात देखिए कितना है, 3/4, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो जो अनुपात होगा उस अनुपात में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी कितनी है, 4, सबसे बड़ी, ये नहीं देखना कि ऊपर बड़ी कि नीचे बड़ी, इससे नहीं मतलब, चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, कितनी संख्या है सबसे बड़ी, 4, उतने ही हम चाप यहाँ पे जो न्यून कोण रेखा खींची है उस पर उतने ही चाप काट लेंगे। कितने चाप काटेंगे हम, 4 काटेंगे। समझ आ रहा है? तो हमने 4 इस पर चाप काट लिए, जैसे अंतर विभाजन करते उसका रेखाखंड का विभाजन करते थे, अनुपात में बांटते थे, वैसे 4 चाप काटिए, यहाँ प्रकार की नोक रखो, एक ये चाप हो गया, उतनी ही दूरी से एक ये हो गया, उतनी दूरी से एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये यानी B1 B2 B3 और ये हमारा B4, ये दूरी जो है बराबर होनी चाहिए भाई। प्रकार की नोक यहाँ रखोगे तो एक ऐसे चाप काटा, उतनी दूरी से यहाँ पर प्रकार की नोक रखे, ये काट लिया, फिर आगे ये काट लिया, कितने काटने हमको, 4। इतना समझा गया? सिर्फ अनुपात को देखना है भाई, जो अनुपात जो संगत भुजाओं जो दिया होगा हमको, ठीक है, स्केल गुणांक इसको कहते हैं, जो स्केल गुणांक दिया होगा हमारा, स्केल गुणक, उसको देखना है, जो भिन्न दी होगी उसमें जो सबसे बड़ी होगी, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उतने ही चाप काटेंगे। इसमें सब अगर यहाँ लो मान लो 7/5 होता, ठीक है, स्केल गुणक इसका दिया होता 7/5, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7, तो हम 7 चाप काट लेते हैं। समझा गया? लेकिन जो अनुपात हमारा दिया हुआ है उसमें कितना दिया, जो स्केल गुणक दिया हुआ है वो हमारा 3/4 दिया होगा, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उतने ही हम चाप यहाँ पे काट लेंगे। ठीक, इतना कर लोगे कि नहीं, 4 बड़ी है, 4 हमने काट लिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, फिर ध्यान देना है, अब उसमें तो हम क्या करते थे, अनुपात में जो सबसे लास्ट वाला होता था उसको मिला देते थे भाई, रेखाखंड का जो अनुपात में बांटते थे रेखाखंड को, तो सबसे लास्ट में होता था उसको मिला देते थे। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें क्या है, जो स्केल गुणक दिया होगा तुम्हारा उसमें जो हर में संख्या होगी, कहाँ होगी, हर में, यानी कितना दिया है, 3/4 दिया हुआ है, कितना दिया है हमारा भाई, 3/4, तो इसमें जो संख्या हर में है, हर में कौन सी संख्या है हमारी भाई, 4 है, हर में कौन सी है,
चार, उसको हम इस बिंदु से मिलाएंगे जिससे हमने न्यून कोण रेखा नहीं खींची है, इस जो खाली है। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? समझ में आया? कौन सी संख्या है स्केल, जो कौन सी संख्या, किससे हम रेखा मिलाएंगे? उसमें तो सबसे लास्ट में जो होता था मिला देते थे, जो हर में संख्या होगी उसको ही हम मिलाएंगे। हर में कितनी है हमारी? चार। तो इसको हम इससे ये मिला दिया। मिला दिया कि नहीं मिला दिया भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना मिला दिया, ठीक समझे? जो हर में होगी वही मिलाओगे, इसमें बड़ी छोटी नहीं मतलब है, जो हर में होगी उसी को हम मिलाएंगे उससे, ठीक है। अब जो संख्या जो बची है अंश में, कितना बचा है हमारा? तीन। अब तीन वाला कहाँ पे बिंदु? बी वन बी टू बी थ्री, ये है, यहाँ पे गिन लेंगे एक दो तीन, समझा गया? बी वन बी टू बी थ्री ये वाला है। अब यहाँ से हम इसी के समांतर रेखा खींच देंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी के समांतर रेखा खींच देंगे। तो समांतर रेखा खींचना आता है, यहाँ पे प्रकार की नोक लिया, इसको ऐसे एक चाप लगाया, उतनी ही दूरी का प्रकार की नोक में, प्रकार में जो दूरी होगी वो कम नहीं करोगे, उतनी ही दूरी का यहाँ पर भी ऐसे चाप लगा लिया हमने, लगा लिया भाई, समझे? अब क्या करोगे, इस चाप को ऐसे नाप लोगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखो, ऐसे नापो, उतना ही यहाँ पे रखिए और इसको जितनी ही दूरी काटना है, सुना गया कि नहीं? उतनी ही दूरी हमने काट दिया, ठीक। अब जहाँ पर ये काटा, इसको और इसको आपस में हम देखे, इस टाइप से ऐसे कुछ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, वो सही काटेगा जब प्रकार से आप बनाओगे, वो सही जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप से समझ लो, ठीक। तो ये जो हो गए इसके समांतर हो गए, इसको हमने मान लिया सी डैश, क्या मान लिया? सी डैश, खींच गए समांतर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी बिंदु से, अब जहाँ पर ये बी सी पर जो ये बिंदु आया है उससे भी हम क्या करेंगे, जो ए सी होगी, अब इसके समांतर, क्योंकि ये त्रिभुज जो ए बी सी है ना, इसके समरूप हमको त्रिभुज बनाना है ना, ये संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा इससे जो हम त्रिभुज बनाएंगे, समझ आ रहा है? तो क्या करेंगे, यहाँ भी एक समांतर खींचेंगे। कैसे भाई खींचेंगे? देखिए यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, फिर वही चीज़ यहाँ से खींचना ना इसके समांतर, तो हमने ये ऐसे चाप लगा लिया, ऐसे चाप लगा लिया, ठीक, लग गया चाप, उतनी ही दूरी का, दूरी उरी कम ज़्यादा नहीं करोगे, यहाँ पर भी क्या लगा लेंगे हम, ऐसे चाप लगा लेंगे, ठीक, लगा लोगे। अब फिर इस दोनों चापों को माप उस प्रकार में नाप लीजिए और यहाँ पे प्रकार की नोक रखो, ऐसे चाप लगाओ, देखो कहाँ पे काटता है, जहाँ पे काटता है इसको और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इस टाइप से जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लगाओ, ठीक। तो ये जो हो गया हमारा, इसके समांतर हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, ए डेस मान लिया, क्या मान लिया, ए डेस, समझ आ गया? तो ये जो त्रिभुज आया है हमारा, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, ये जो त्रिभुज आया यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा, यही त्रिभुज जो होगा इसी की हमने रचना की है। समझ में आ रहा है, समझे कि नहीं समझे? सिर्फ ध्यान देना है बस, क्या करना है, जो स्केल गुणक दिया होगा सबसे पहले तो त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बनाने के बाद में उसमें हम बी कोण, बी से एक न्यून कोण की एक रेखा खींच लेंगे और उस पर चाप अच्छा कितने लगाने हैं, चाप हम उतने लगाएंगे जो स्केल गुणक दिया होगा उसमें जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी उतने हम चाप लगा लेंगे, ठीक। इसके बाद में जो हर में दिया हो, क्या दिया हो भाई, हर में दिया हो, वो उसको हम जो है इस वाले जो लास्ट में बिंदु होगा सी वाला जो रेखाखंड का, उसको हम उससे मिला देंगे, ठीक। और मिलाने के बाद में जो बचा, यानी वहाँ उस बिंदु से, यानी तीन बचा था तो बी थ्री, वन टू थ्री, बी थ्री से इसी के समांतर क्या करेंगे हम, रेखा खींच देंगे और जो बी सी पर जिस बिंदु पर काटे भाई, इसके समांतर खींचना है, ये त्रिभुज है, इसके त्रिभुज का स्केल गुणांक जो भुजाओं का जो दिया हुआ है उसी के यहाँ पर बनाना है ना, तो यहाँ से फिर एक अनुपात हम रेखा खींचेंगे, तो जो ये त्रिभुज बनेगा वही हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे? तो इसकी रचना देखो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखिए ये रचना हमने यहाँ पे लिख दी है, जो जो भी यहाँ पे किया है, सबसे पहले क्या किया हमने, एक त्रिभुज एबीसी बना लिया, ठीक,
और उसके बाद में ए से इसके दूसरी ओर बनाना है। बी से हमने एक न्यून कोण जाती हुई एक रेखा बना ली, उसके बाद में जो तुम्हारा गुणक दिया होगा ठीक है, उसमें जितना जो सबसे बड़ी संख्या होगी चाहे वो अंश में लिखी हो या हर में लिखी हो, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उतने हम इस पर चाप काट लेंगे ठीक। अब उसको हम जो सी बिंदु से जो हम मिलाएंगे वो कौन सी वो चाप होगा उसको मिलाएंगे, जो हर में लिखा होगा, जो चाप हर में होगा उसी को मिलाएंगे। इसमें हर में कितना लिखा था, चार, इसलिए हमने बी फोर को सी से मिला दिया ठीक। फिर मिलाने के बाद हमने क्या किया, फिर जो बचा है थ्री बचा है ना, तो बी थ्री से हमने इसी के समांतर रेखा खींची जो बी सी को सी डैस पे काटती है, और सी डैस से हमने ए सी के भी समांतर रेखा खींच ली जो ए बी को ए डी पर प्रच्छेदित करती है, तो जो त्रिभुज बन गया वो हमारा ए डैस बी सी डैस ए हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा। समझा गया, याद रखना कि जो स्केल गुणक दिया होगा हमारा, जैसे यहाँ पे दिया होगा 7/5 दिया है ठीक है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी ठीक है उसमें जो हम बी है यहाँ पर मान लीजिए, इसमें जब हम उस काटेंगे चाप तो कितने काटेंगे भाई, 7 है ना, तो 7 काट लेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है 7 काट लेंगे, और जो हर में होगा 5 है ना, तो जो पाँचवा वाला होगा उसको मिला देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जब हम उसको मिला देंगे, जैसे यहाँ पर हमने इसको मिला दिया 1 2 3 4 5 मान लो यहाँ पे आ गया, अब फिर जो 7 से हमको इसके समांतर रेखा खींचनी है, अब यहाँ पे जो रेखा नहीं है तो हम बी सी को आगे ऐसे बढ़ा लेंगे, क्या करेंगे हम बी सी को आगे तक बढ़ा लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो उसको कर लेना ठीक। समझे कि नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कि नीचे जो संख्या पड़ रही है उसमें तो हर में जितना है उतना तो हमने मिला दिया, उसके बाद में अगर संख्या आगे हमको रेखा कम पड़ रही है तो बी सी को आगे तक हम बढ़ा सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक, जैसे अभी हम बता गए हैं ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बस एक सिस्टम समझ लीजिए भाई ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 5/3 स्केल गुणक दिया होता तो हम एक त्रिभुज ऐसे बना लिए और बी से एक न्यून कोणीय रेखा हमने खींच ली, ये बी सी हो गया हमारा ये, अब कितने चाप लगाएंगे, जब सबसे बड़ी संख्या है हमारी 5 तो 5 चाप लगा लेंगे हम, 1 2 3 4 5 ऐसे लगा लिया। अब जो हर में होगा ये हमारा 1 2 3 4 5 जो हर में होगा, हर में कितना है हमारा 3, तो उसी को मिलाएंगे, यानी ये 3 वाले को हमने सी से ऐसे मिला दिया ठीक है। अब इसी के समांतर हम कहाँ से रेखा खींचेंगे, कितना है अंश में कितना बचा 5, तो 1 2 3 4 5 पाँचवा यहाँ पर है ठीक है, तो यहाँ से हम इसको खींचेंगे, तो जब यहाँ से समांतर रेखा ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे जो रेखा जो है वो कम पड़ेगी, तो क्या करेंगे इसको हम आगे यहाँ तक बढ़ा सकते हैं और इसको हम ऐसे आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे जब खींच लेंगे सी डेस हो जाएगा और ये यहाँ पे खींचेंगे ये ए डेस हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे, तो भुजा को अगर कम पड़े तो उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, किरण को समझ में आ गया, आगे क्या करोगे उसको हम बढ़ा लेंगे ठीक, समझ गए। तो गुणक जो दिया होगा स्केल गुणक पर उसी को ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो काम है हमारा त्रिभुज बनाने के बाद में जो न्यून कोण तो बना लोगे उस पर चाप कितने लगाने हैं ये दिमाग में आना चाहिए। तो जो गुणक दिया होगा स्केल गुणक उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उतने ही चाप लगेंगे, और उसके बाद चाप लगाने के बाद उसमें मिलेंगे कितने भाई, कौन सी हमको कौन से चाप को हमको सी बिंदु से मिलाना है, तो जो हर में होगा बस वही मिलाया जाएगा ठीक है, फिर उसके बाद में जो बचा उसी से उसके समांतर रेखा खींच ली जाएगी ठीक। समझ आ गया, ये समझे कि नहीं, तो ये क्वेश्चन कीजिए, और इससे क्वेश्चन रचना करने को ज़रूर आता है, 6 नंबर में ज़रूर आता है ठीक है, ये आएगा ज़रूर, तो इसको जो है सीखिए, अगर कोई दिक्कत हो बताओ ठीक, आगे क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।